गांव में घुसे तो मतलब वो लोग महिला लोग केमाड़ी लगा लेती थी। तो हम लोग जैसे वो गांव के बगल में एगो आओ गांव दूसरा गांव है तेतारपुर करके नाम करके है, तो उसमें गए तो मतलब 5-6 ग्रुप आराम से जब बन गया मतलब समझा के, तो वो गांव देख करके ये जो आयमा चौकी गाँव में जो बहुत दिक्कत हो रहा था बहुत कठिनाई हुआ बनाने में, तो वो गाँव देख करके फिर आयमा चौकी में ग्रुप फिर बना और फिर सक्सेस हुआ बहुत अंतिम में। जो हिंदू हो मुसलमान हो किसी जाति का भेदभाव नहीं रखते हैं। बैठक में नियम बनाए गए कि सब दीदी गरीब गरीब महिला के सब बच्चा सब साफ सुथरा कर के सब बच्चा के अपना अपना ध्यान से स्कूल भेजल कर मदरसा भेजल कर, अगर नहीं जेतो तो सब दीदी पर दंड जुर्माना लगतो जकर बच्चा घर में रहतो खेले धूपे में। तो समूह जुड़ने से पहले भैया जी हम लोग बहुत गरीब थे, मेरा मायके में भी गरीब था, ससुराल वाला भी गरीब है, रहने का न जमीन न जगह कुछ कहीं नहीं, एक कट्ठा में 3 भाई थे हम लोग। तो लोन जब आता है सियाई बुलाया है कि चाहे बैंक ऋण हमको दिया है तो ऐसे हम लोन बांटते हैं, जो दीदी के सबसे इमरजेंसी ज़्यादा है घर में बीमारी है उसको बुतात नहीं है चूल्हा नहीं जला है उस दीदी को पहले हम लोग पालन करते हैं। तो समूह में इतना फायदा हुआ है कि 10% ब्याज तो छूट गया है हमारा। तो सभी दीदी मिल कर विचार किया कि हाँ मीना दीदी को देना है 2000 रुपया, तो वो 2000 से अभी 10000 का पूंजी है और सही ढंग से खाते हैं चलाते हैं दुकान। छोटा छोटा समूह छे छोटा छोटा ऋण हेतु और मैं बचत करे छी सब दीदी में लेन देन करे छी, वो छोटा ऋण से समस्या हल नहीं हेतु, अइ लिए हम सब दीदी विचार करके एक ग्राम संगठन बना लेने छी। तो 1000 टका हुई ना 1000 टका एम कते तो बाबे गांव की चेचरी जब टूट गई तो ग्राम संगठन में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग खुद इस चेचरी को बनाएंगे। हर एक समूह से 100-100 रुपए इकट्ठा कर हमने बांस वगैरह खरीदा। मजदूरों के खाना के लिए किसी दीदी ने चावल दिया तो किसी दीदी ने दाल। 5-6 दिनों में हम लोगों ने मिलकर ये चेचरी बनवा लिया। 5-6 दिन तो लगावा कुआ जब भीओ बन गए हमरा आर के, तो भीओ में कहल कि आब सब रंग के चर्चा होल तो हमरा के सबसे पहले जॉब कार्ड चाहिए दीदी। यहाँ से सब दीदी गले ब्लॉक वीडियो साहब का कहलकै जॉब कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा। तो हे भैया देखो ने देखो हमारे बच्चा बहुत बीमार है केना कम जेब अति हालत बहुत सीरियस भाल छे जा भो रही है कह भैया 15% ब्याज ले लियो हमारे बच्चा मर जाए तो हमारे टका की करब लैके बच्चा मर जाए अभी वो 100 नहीं है छे अभी 2% ब्याज के साथ दीदी का 12 बजे रात के इमरजेंसी लागते वो भी काम करके हल करे छे सब दीदी का ई भी बड़का। एक धान के हम कैसा लाए वो कैसे इतना हो सकता है बोल 50 होगा 100 को होगा तो वास्तविक मैंने 70-80 को मैंने हो गया था। 2 किलो धान बोए तो 125 मन धान होगा और कट्ठा में 6 मन ठहरा। 47000 पैसा मतलब ऊपर से आ गया चेक भंजा करके फिर 47 क्विंटल चावल खरीदे तो 50 पैसा हम लोग किराए के लिए मतलब कि लेते थे जो हम लोग फायदा किए वो ग्राम संगठन को फायदा हुआ। पहले हम लोग जानते नहीं थे कि मतलब कैसा कमिश्नर साहब है कैसा बीडीओ साहब है कि मतलब जाएंगे तो हम लोग से बात करेंगे कि नहीं करेंगे और सब ग्राम से समूह बनाए ग्राम संगठन बनाए तभी तो सर हम लोग के पास आते हैं। पहले तो कुइया के जना बेंगना नहीं छे कुइया तो कुइया में सबटा औरत रही है आ कुइया जना बेंग उछल के जब कुइया पाट पर जे तो वहां पाट पर इखनी छियै।